इस्लामाबाद ने नोकंडी तमाशकेल शाहरा का संगे बुनियाद रखने की वर्चुअल तकरीब इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। विफाकी वजीर मोरासियाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी इस वक्त शरीक है। और आपको बताते चलें कि शाहरा की तामीर से इलाके में इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और 20 दिन बाद सियालकोट ताखारिया मनसूबे का इजरा करेंगे। मैं आज NHA को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सारी आपकी मुराद, आपकी टीम को, खुरम आपको, बाकी सारी आपकी टीम को, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसकी आज लॉन्च की है नुकंडी से मशकेल तक। ये वो इलाका है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे रिमोट इलाका, जिस तरह कहें बैक यार्ड कह दें, आउट बैक कह दें, वो इलाका जिधर 70 साल से हमारा मुल्क जिसको भूल चुका था, ये वो इलाका है। मैं बलूचिस्तान काफ़ी फिरा हूँ लेकिन इस इलाके में नहीं गया। और जो मैंने बलूचिस्तान का मसला ये है कि इतने इतने बड़े फासले हैं यहाँ, और ये वो सूबा है कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, यानी सड़कों से ये कनेक्ट हो जाए, तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। हमने किसी ने आज तक हमारे मुल्क में किसी ने इसके ऊपर सही माने में तवज्जो दी नहीं, और वो क्योंकि वो दूर होता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की वोट से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं, तो वो उधर ही जोर लगाते हैं जिधर उनको वोट मिलती है, और क्योंकि बलूचिस्तान दूर है और वोट नहीं मिलती, तो इसको हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसी एक हमारी बड़ी कोशिश का हिस्सा है कि जो लोग पीछे रह गए पाकिस्तान में उनको हमने ऊपर लेके आना है, और जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए हैं उनके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो इलाकों को अब हम मेन स्ट्रीम में लेके उनको उठाएं। तो बलूचिस्तान क्योंकि वो पाकिस्तान का सूबा है जिसको किसी ने तवज्जो ही नहीं दी सही माने में, और मैं समझता हूं कि जितनी रिटर्न्स हमें बलूचिस्तान में उनको कनेक्ट करके उसको डेवलप करके मिलेंगी, क्योंकि पीछे रह गया और वो जल्दी से ऊपर उस पर उसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो पहले तो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बड़ा ज़रूरी है ये जो कनेक्टिविटी है, और दूसरा पाकिस्तान एक हमारी फेडरेशन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान को लोगों को ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान एक तरफ जा रहा है और बलूचिस्तान के लोगों को कोई फिक्र नहीं करता उनके हालात का। तो ये हर तरह ये सड़क इंशाल्लाह ये वो सड़क है जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। अब मैं जो इसके आगे जो बात करना चाहता हूं वो ये कि देखें, जो हमारी हुकूमत आई पहला साल सिर्फ हुकूमत ने सरवाइव करने में लगाया है फाइनेंशियली। कभी भी पाकिस्तान को किसी हुकूमत के लिए इतने बड़े माशी हल मसले नहीं आए जो हमारी हुकूमत को आए। कभी इतने बड़े खसारे नहीं मिले, कभी इतने बड़े कर्जे नहीं मिले किसी हुकूमत को, और खौफ डिफॉल्ट करने का, कि अगर डिफॉल्ट का मतलब कि अगर आप बैरूनी मुल्क की अपनी जो आपकी कर्जे हैं उनकी किस्तें ना दें तो डिफॉल्ट कर जाता है, और जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है उसकी सारी उसकी बाहर के मुल्कों से, बैंकों से सारे अपने रास्ते काट देते हैं, और वो उसका इंपैक्ट होता है कि आपका रुपया गिर जाता है, और जब आपका करेंसी गिरती है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमें वो पहला साल तो वही उसमें गुजर गया, दूसरा साल कोरोना आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है कि अगर किसी मुल्क ने भी सबसे बेहतरीन अपने मुल्क को कोरोना से बचाया और अपनी मईशत को बचाया वो पाकिस्तान है। तो हम उससे, खैर अभी भी तीसरा वेव है लेकिन अभी तक आप अपने हमसायों को देख ले और उससे मुकाबला करें पाकिस्तान का, तो अल्लाह का शुक्र है, हमें उसका ऊपर वाले का खास शुक्र अदा करना चाहिए कि हम निकल गए उससे, बड़े मुश्किल वक्त से निकले और इंशाल्लाह निकल भी जाएंगे अगर हम सब अगर ये ज़रा फेस मास्क के ऊपर ही SOPs पर जोर डालें तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन जो इंशाल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे
तो मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं जो आगे पिक्चर कर रहा हूं, किस तरह का मैं पाकिस्तान देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो हमारे मुखालिफ हैं, जो माफियाज हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं, उनको खौफ यह है कि हम कामयाब ना हो जाएं। क्योंकि पख्तूनख्वा के अंदर जब हमारी कमजोर गवर्नमेंट आई, कोलिशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बड़ी कमजोर होती है, तो हम कोलिशन गवर्नमेंट में थे और पख्तूनख्वा में एक बारी देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद दूसरी बारी वो नहीं देते। तो जब दूसरा इलेक्शन आया, बार बार हम सुनते भी रहे कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा। तो जब इलेक्शन आया तो पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा एक हुकूमत ने सिर्फ वापस ही नहीं आई बल्कि दो तिहाई अक्सरियत लेके आई, और वो जो हमारे मुखालिफ थे वहां पख्तूनख्वा में, वो सारी पार्टीज का जो हालात हैं वो आज आप देख ही लें कि जो सारी पुरानी पार्टीज थी उनका बहुत बुरा हाल है। वही डर लगा हुआ है अब यहां इनको कि बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर, अब क्योंकि फेडरल लेवल पे हमारी हुकूमत आई है तो इन सबको डर लगा हुआ है कि कामयाब ना हो जाए, तो इसलिए पहले दिन से शोर मचा देते हैं कि फेल होगी गवर्नमेंट। ख्वाहिश है उनकी फेल होने की क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूं, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि 5 साल के बाद हमारे मुल्क के अंदर जो सड़कें, मुराद सईद ने जो बात की है बिल्कुल, कि 6000 किलोमीटर की अब हमारे मंसूबे बने हुए हैं, लेकिन उन इलाकों की सड़कें जिनमें जो पाकिस्तान को कनेक्ट कर देगा, उसमें बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा सड़कें, पहली कभी किसी गवर्नमेंट ने इतनी सड़कें बलूचिस्तान में नहीं बनाई जो हमारे 5 साल में इंशाल्लाह बनेंगे। उसके अलावा जो मैं चाहता हूं कि जो दो चीजें जिसके ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि एक कौम जब अजीम कौम बनती है तो उसकी बुनियाद दो चीजों पर रखी जाती है, और ये जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं तो वो दो चीजों के ऊपर वो एक रियासत खड़ी हुई थी जो दुनिया की सबसे बड़ा इनकलाब आया था दुनिया की तारीख में। तो एक तो कानून की बालादस्ती, उसका मत बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, कि सब इंसाफ का मतलब सब कानून के सामने एक बराबर। जब कानून के सामने लोग एक बराबर नहीं होते तो वो जंगल का कानून होता है, माइट इज राइट, जो जंगल में शेर के ऊपर कोई कानून वो जो मर्जी चाहे करे, फिर उससे नीचे जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे, सबसे कमजोर बेचारा छुपता फिरता है, इसको जंगल का कानून कहते हैं। और कभी भी एक माशरे ने तरक्की नहीं की जिधर कानून की बालादस्ती ना हो। तो मदीना की रियासत में सबसे पहले खुशहाली आने से पहले कानून की बालादस्ती कायम की गई, और ये जो सारा शोर मचा हुआ है आपने, ये जो सारे माफियाज, कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं, ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर हमें NRO ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। दूसरी जो जिसकी वजह से कौम उठती है वो है इंसानियत का निजाम। फलाही रियासत दुनिया की तारीख में पहली दफा मदीना की रियासत बनी थी। ये जो दो चीजें हैं ये बुनियाद हैं, बाकी भी चीजें होती हैं, लेकिन कौम ने अगर उठना है तो उसमें ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली, जब कौम के अंदर इंसानियत का निजाम आता है तो वो अपने लोगों की तालीम भी देती है, बच्चों को तालीम देती है, वो सब कुछ करती है, लेकिन सबसे पहले उसमें रहम होना चाहिए कि कमजोर तबके को हमने ऊपर लेके आना है। अब आपके सामने मिसाल है, एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ चाइना, दो मुल्क जिनकी 1 अरब से ज्यादा आबादी है। 35 साल पहले चाइना और हिंदुस्तान तकरीबन एक ही जगह पर खड़े थे, सिर्फ 35 साल पहले। आज चाइना किधर है और हिंदुस्तान किधर है, क्या फर्क हुआ उन दोनों में? चाइना के अंदर लीडरशिप आई जिसने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए, 425 वजीरों को उन्होंने जेलों में डाला करप्शन पे, उससे जो सरकारी नौकर थे वो तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर थे, लेकिन सिर्फ वजीरों को, मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को 425 को जेल में डाला, कानून कायम किया उन्होंने कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। और दूसरी, चाइना ने क्या चीज की जो दुनिया की तारीख में नहीं हुई,
उन्होंने अपने गरीब तबके के ऊपर उठाया। दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ कि 70 करोड़ लोगों को उन्होंने पिछले 30 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर लिया है। और अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हमने गुर्बत एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है चाइना में। हिंदुस्तान में देखें कितने वजीरों को उन्होंने जेलों में डाला। और फिर गुर्बत देखें, सबसे ज्यादा अमीर और गरीब में हिंदुस्तान में फर्क है। तो ऊपर आने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं दो जो कि मदीना की रियासत में, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आओ, निचले तबके को ऊपर उठाओ, फलाई रियासत बनाओ। तो मैं क्या देखना चाहता हूं पाकिस्तान में 5 साल के बाद, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं इन सारों को कानून के नीचे लेके आओ, इनको पहली दफा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करें। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की हुक्मरानी। जो जंगल का कानून है उसमें ताकत की हुक्मरानी होती है। अगर किसी ने क्लासिक एग्जांपल देखना है पाकिस्तान में क्या हुआ, 90 की दिहाई में 88 में पीपल्स पार्टी पावर में आए, आसिफ जरदारी सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस, 90 में पीपल्स पार्टी जाती है, आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में करप्शन पे, 93 में नून लीग जाती है पीपल्स पार्टी फिर पावर में आती है, वो जेल से सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस, और 96 में जैसी पीपल्स पार्टी जाती है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में। तो वो कानून की हुक्मरानी नहीं थी, ताकत की। जब ताकत में आओ सारे केसेस खत्म, जैसी आप ताकत से जाओ सीधा वापस जेल में। तो ये कानून नहीं है इस, तो ये जंग लड़ी जा रही है तहरीक इंसाफ कानून की जंग। तो ये मेरा सबसे बड़ा है कि इंशाल्लाह बड़े बड़े माफियाज को कानून के नीचे लेके आएंगे, ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अपने कमजोर तबके को हम ऐसा उठाएंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं उठाया। मसलन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को जब एक गरीब घराने में बीमारी होती है। शौकत खान हम इसलिए बनाता है, गरीब आदमी को जब कैंसर में देखा तो मैंने सोचा कि हम इतना महंगा इलाज हमारे लिए इतना मुश्किल है तो इस गरीब घराने में क्या हो रहा होगा। उसी तरह जो अब हमारे दो सूबों के अंदर जिधर हमारी हुकूमत है हेल्थ कार्ड लेके आए, ये इनकलाब है। ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि 5 साल के बाद आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स बना रहा होगा देहातों के अंदर, इधर बलूचिस्तान के इलाकों में बना रहा होगा, क्योंकि वो भी हेल्थ कार्ड, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान में। अब तक क्यों नहीं जाता था प्राइवेट सेक्टर गांव में देहातों में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था उसके लिए। अब सबके पास हेल्थ कार्ड होगा तो प्राइवेट सेक्टर पहली दफा एक हेल्थ पाकिस्तान के अंदर अस्पताल बनाएगा। ये आप देखते रहें कि ये आगाज हमने कर दिया है। पख्तूनख्वा के अंदर सब शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल गया, हर खानदान को। पंजाब के अंदर इस साल के आखिर तक सब शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो एक पाकिस्तान में अजाब इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दीनी मदरसे है, ये पहली दफा एक कोर्स सिलेबस पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। अगर अंग्रेजी में आईटी के लिए अंग्रेजी चाहिए तो सब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं, ये क्या कि सिर्फ एक तबके को अंग्रेजी और अच्छी नौकरियां। ये पहली दफा आ रहा है पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलों से। और मैं अपने फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर को दाद देता हूं शफकत महमूद को, उन्होंने बड़ी कंसल्टेशंस करके एक कोर्स सिलेबस लेके आ रहे हैं जो सारी सब डेवलप्ड ममालिक के अंदर हर जगह एक ही चीज होती है, एक कोर्स सिलेबस होता है, फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स पढ़ाते हैं। और फिर जो हमारी कोशिश है फलाई रियासत बनाने की, पनाहगाह हर जगह जिधर मजदूर जाते हैं, हमारी कोशिश है कि वहां एक पनाहगाह हो, के मजदूर आके मुफ्त ठहर सकें, उनको खाना दे सकें, उनको अच्छी रात सो सकें, उनको किराया ना देना पड़े, उनको खाने पे पैसे खर्च ना करना पड़े, ताकि जो भी पैसा बचे वो अपने घर भेज सकें। ये एक इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है जाल फैले पनाहगाह का। और दूसरा इंशाल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब कि हमारी ट्रक चले जिनके ऊपर किचन बनाओ, हर गरीब इलाके में जाएं कि कोई भूखा ना सोए, कि बुनियादी चीज पे गरीब इलाकों के अंदर लोगों के पास खाना हम प्रोवाइड कर सकें।
और फिर कानून के अंदर जो हमने कोशिश कर रहे हैं कि आ गया पख्तूनख्वा के अंदर तो आ गया सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके इसमें इस्लाहत की हैं, पंजाब में आने वाली हैं थोड़ी, उसमें इस वक्त कहीं अदालत में चैलेंज हुआ हुआ है। कोशिश ये है कि अब जमीनों के केसेस हैं वो 50-50 साल लग जाते हैं, तो ये नया सिविल प्रोसीजर कोड के से एक साल के अंदर केस का फैसला होना पड़ेगा, तो इससे भी एक बहुत बड़ा इंकलाब आएगा जो अब तक नहीं आया। तो इंसाफ मिले लोगों को, आम लोगों को तालीम मिले और एक मौका मिले उनको ऊपर आने का, और फिर जो दो बड़े शोबे हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, इसके अंदर अभी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस तरह आज उठ रही है, मैं दावे से कहता हूं कि 50 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठ रही है। जो इंसेंटिव्स हमने इंडस्ट्री को दिए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, ये सारे जो हमने इंसेंटिव्स दिए हैं, आप देखते रहें कि ये 5 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री किधर जाएगी, रोजगार कितना मिलेगा। लेकिन जो जरिए असलाहत हम करने जा रहे हैं, जो है किसान कार्ड लेके आए हैं पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किसान की हमने जिंदगी बदल देनी है, और डायरेक्टली उसको सब्सिडी, हमारे तकरीबन 65% किसानों की 5 एकड़ से कम जमीन है, तो उनको डायरेक्ट हम सब्सिडाइज करेंगे, उनके खादे देंगे, उनको क्रेडिट पहुंचाएंगे, उसको एम्पावर करेंगे, और गुर्बत कम करने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि छोटे किसान की मदद। अभी भी आज किसानों के पास इतना पैसा आया है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। 1100 अरब रुपया इजाफी गया किसानों के पास, क्योंकि पहली दफा उनको वो कीमतें मिली हैं गन्ने की, उनको गंदम में वो कीमत मिली है जो कभी पहले नहीं मिली, चावल में, मकई में। तो जो 1100 अरब इजाफी पैसा गया, इसका मतलब कि जो खुशहाली आई है वो आप ये देख लें कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने ट्रैक्टर बिके ही नहीं जितने इस साल बिके हैं। 58% ट्रैक्टर्स के सेल के अंदर इजाफा हुआ है, इसका मतलब पैसा गया है वहां। मोटरसाइकिलों के अंदर रिकॉर्ड सेल हुई है, तो ये इसलिए कि पैसा उधर गया, देहातों के अंदर गया। और इंशाल्लाह जो आखिर में मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, हमने अब पूरा डेटा कंप्लीट कर लेंगे अपने गरीब सारे पाकिस्तान के घरानों का, तो जो निचले तबके के घराने होंगे उनको डायरेक्ट सब्सिडीज दिया करेंगे। मसलन गंदम की कीमत ऊपर गई तो जो ये गरीब घराने हैं उनको हम फिर सब्सिडीज देंगे कि उनको अगर कीमत ऊपर भी गई, क्योंकि सारी दुनिया में सारी कमोडिटीज की कीमतें ऊपर गई हैं, तो हम कम अज कम उनको प्रोटेक्ट करें अपने गरीब घरानों को। एक पूरा हमारे पास डेटाबेस आ गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो आप एहसास का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम अब डायरेक्ट सब्सिडी दे सकेंगे गरीब घरानों को, अगर मतलब बिजली महंगी होगी तो उनको बिजली की सब्सिडी दे देंगे, अगर गंदम महंगी हुई, चीनी महंगी हुई, तो हम उनको डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे, ताकि अपने निचले तबके को हम उसकी हिफाजत करें, उसकी मुश्किलें कम करें उसको, ताकि मौका मिले उनको हम गुर्बत से निकालें। फिर से मुराद सईद आपको और एनएचए को मैं बहुत मुबारक देता हूं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोकंडी तमाशकेल शाहरा का संगे बुनियाद रख दिया। संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, नोकंडी से माशकेल पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है, शाहरा की तामीर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एनएचए को आला कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, बलोचिस्तान समेत पसमानदा इलाकों को मरकजी धारे में लाना हमारा विजन है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि किसी हुकूमत ने बलोचिस्तान में शाहरा की तामीर पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि नोकंडी से माशकेल पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहें।